महासागरीय जल की गतियां, तरंगे और धाराएं, पार्ट दूसरा। लेकर मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मूवमेंट्स ऑफ ओशनिक वाटर, वेव्स एंड करंट्स, पार्ट सेकेंड। प्रथम भाग के अंदर हमने महासागरीय धाराओं के बारे में, तरंगों के बारे में जाना, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, जैसे तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, सागरों में वर्षा और वाष्पीकरण, स्थायी पवनों का प्रभाव, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण और धाराएं, तटरेखा की आकृति, समुद्री तली की आकृति, वायु दाब, ये सब चीजें हमने देखी इसके अंदर। और साथ ही हमने दो प्रकार की जो धाराएं होती है, ठंडे इलाकों से जो पानी लेकर चलती हैं वो ठंडी धाराएं, और उष्ण इलाकों से गर्म पानी लेकर जो आगे बढ़ती हैं वो गर्म धाराएं, उसके बारे में हमने जाना। आज हम अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अंध महासागर की धाराएं या करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अंध महासागर की धाराओं की मुख्य विशेषता यह है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी तथा दक्षिणी अंध महासागर, इन धाराओं का एक समान क्रम देखने को मिलता है। उत्तरी तथा दक्षिणी अंध महासागर में धाराओं की दिशा भी लगभग समान ही पाई जाती है। उत्तरी अंध महासागर की धाराएं, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अंध महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी पूर्वी सनातन पवनों के द्वारा उष्ण जल की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा कैरेबियन सागर में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा पश्चिमी द्वीप समूह के उत्तर में बहती हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, तथा दूसरी शाखा पश्चिमी द्वीप समूह के दक्षिण में प्रवाहित होकर मैक्सिको की खाड़ी में दक्षिणी संयुक्त राज्य तट का चक्कर लगाकर पूर्व में पुनः गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। अब ये जो चित्र आपके सामने है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है, जो गर्म धारा है और ये आगे बढ़ती हुई ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है इसमें इसकी दो शाखाएं फट जाती है। एक जो दक्षिणी शाखा है वो खाड़ी के अंदर, मेक्सिको की जो खाड़ी है इसके अंदर होती हुई फ्लोरिडा के तट से ऊपर उठती हुई गल्फ स्ट्रीम में शामिल हो जाती है, और एक इस वेस्ट इंडीज के पूर्व से ही बहती हुई ऊपर उठ के गल्फ स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। तो ये दो धाराओं में बटकर पुनः एक धारा बन जाती है गल्फ स्ट्रीम के बीच में। यहाँ जो बीच में आपको ये क्षेत्र इसमें नजर आ रहा है, ये शांत सागर है और ये सारगोसा सी के नाम से हम इसको जानते हैं, या सारगोसा सागर के नाम से इसे हम जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम, इस धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के जल के पहुंचने से खाड़ी के जल स्तर में वृद्धि हो जाने से होती है। खाड़ी में उत्पत्ति होने के कारण इसे गल्फ स्ट्रीम अथवा खाड़ी की धारा कहते हैं। खाड़ी में यह धारा लगभग 1 किलोमीटर गहरी और 48 किलोमीटर चौड़ी होती है। इसकी गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह धारा फ्लोरिडा जल संधि से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ इसमें कैरिबियन सागर की ओर से आने वाली धारा एवं दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा का भी जल मिल जाने से यह विश्व की सबसे शक्तिशाली गर्म धारा बन जाती है। कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित हैलिफैक्स के दक्षिण में इस धारा का प्रवाह पूर्णतः पूर्व की ओर हो जाता है। यहाँ इस धारा के जल को पछुआ पवने पूर्व की ओर प्रवाहित करने में सहायता करती हैं। पूर्व की ओर बहते हुए 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण यहाँ इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यही प्रवाह उत्तरी पश्चिमी यूरोप के समुद्री तट पर प्रवाहित होता हुआ नॉर्वे के तट पर पहुंचकर इसकी उत्तरी शाखा में विलीन हो जाता है।
दक्षिणी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ठंडी धारा कहलाती है। अब आप ये मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र के अंदर आप देखिए कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट था, ये ऊपर उठ के कैरिबियन करंट बना और एक इसकी धारा इसके अंदर कैरिबियन जो है ये खाड़ी में से होती हुई ऊपर उठी फ्लोरिडा के तट के साथ में, और दूसरी धारा इस वेस्ट इंडीज के पूर्व से होती हुई इसमें मिली और ये गल्फ स्ट्रीम बन गया। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर आकर ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये कैनेडा के इधर ये हैलिफैक्स का इलाका है, यहाँ से ये पूर्व की तरफ में मुड़ गई पछुआ पवनों की वजह से और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में तब्दील हो गई। तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला, ये हमें इस चित्र में स्पष्ट नजर आ रहा है। कनारी धारा। उत्तरी अंध महासागर प्रवाह स्पेन के तट पर निकट पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिमी और उत्तरी तट पर बहती हुई उत्तरी ध्रुव सागर की ओर बढ़ जाती है, किंतु दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीपों के निकट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती हुई उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण उत्तरी भूमध्य रेखा धारा में मिल जाती है। यह ठंडे पानी की धारा है। इस प्रकार पूर्व में कनारी धारा, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम और दक्षिण में उत्तरी भूमध्य रेखीय धाराओं द्वारा एक चक्र निर्मित होता है, जिससे घिरा शांत जल का क्षेत्र सारगोसा सागर कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के चित्र में दिखाया था। सारगोसा पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री घास होता है। इस क्षेत्र में समुद्री घास इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है कि इस भ्रम से स्थल भाग समझ लिया जाता है, जैसा कोलंबस ने अपनी यात्रा के समय समझ लिया था। अब आप ये मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र के अंदर देखिए ये आपकी जो गल्फ स्ट्रीम थी ये ऊपर मुड़ के नॉर्थ अटलांटिक करंट के रूप में बनी और इंग्लैंड के पास आकर इसकी दो शाखाएं बन गई, एक उत्तर में जा रही है नॉर्वे की तरफ में और दूसरी जो है वो नीचे की तरफ में मुड़ गई जो ठंडे जल की धारा बन गई और ये कैनारी द्वीप के पास से होती हुई अफ्रीका के तट के साथ बहती हुई दक्षिणी ये गिनी करंट के रूप में होती हुई आपकी वापस नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। तो ये एक पूरा का पूरा इसमें एक चक्र बन जाता है, एक सेल बन जाता है और इसके बीच का जो एरिया है वो सारगोसा क्षेत्र या सारगोसा समुद्र कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर सारगोसा घास देखने को हमें मिलती है। लैब्राडोर धारा। यह धारा उत्तरी ध्रुव सागर से आने के कारण ठंडी जल धारा है जो ग्रीनलैंड के पश्चिम में बेफिन की खाड़ी में होकर न्यूफाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। इन ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट गहरा कोहरा छाया जाता है। इस ठंडी धारा में ग्रीनलैंड एफिन और बेफिन द्वीप से आकर मिलने वाली हिमशिलाएं यहाँ के नौवहन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। साथ ये जो कोहरा छा रहा है, इस कोहरे के अंदर खूब सारी मछलियाँ पैदा होती हैं और ये मछलियों के मछली पालन वाले या मछली के जो जहाज होते हैं जो मछली पकड़ने में लगे रहते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से लाभदायी होती है, क्योंकि इसमें मछलियाँ खाने की खोज में ऊपर उछलती रहती हैं और धुंध में पशु पक्षियों जो उड़ते रहते हैं समुद्र में उनसे भी बची रहती हैं, तो उनसे तो बच जाती है लेकिन मछुआरों के हाथ ये लग जाती हैं। तो ये ऐसे ये क्षेत्र हैं, इसके अंदर मछली पालन के अच्छे स्थल बने हुए हैं। आप इस मानचित्र के ऊपर देखेंगे तो ग्रीनलैंड का जो ये एरिया है इसके पश्चिमी तट से ये नीचे की तरफ में जो धारा उतर रही है और पूर्वी तरफ से जो धारा उतर रही है ये आकर यहाँ कनाडा के तट पर ये लैब्राडोर धारा के रूप में बन जाती है। ये ठंडे जल की धारा है और ये गल्फ स्ट्रीम से मिलकर मुड़ जाती है ऊपर की तरफ में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में और उसके पानी में थोड़ी सी कमी करती है, जिसका गर्म भाग तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और ठंडा भाग नीचे की तरफ में कैनरी धारा के रूप में हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। अब बात करेंगे हम दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा या साउथ इक्वेटोरियल करंट। अंध महासागर की प्रमुख धाराओं में दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म धारा भी है।
यह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से अधिक प्रबल व स्थायी है। यह धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। इसका वेग तीव्र है। यह केप साओ रॉक अंतरीप पर दो भागों में बंट जाती है। उत्तरी पश्चिमी शाखा ट्रिनिडाड के पास उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है तथा दक्षिणवर्ती धारा ब्राजील की गर्म धारा कहलाती है। दूसरा, प्रति विषुवत रेखीय धारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट। उत्तरी तथा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराएं जब संयुक्त राज्य तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों पर टकराती हैं तो इन धाराओं का कुछ जल पुनः विषुवत रेखा के शांत खंड में पूर्व की ओर अफ्रीका के गिनी तट की ओर प्रवाहित होता है। इसे ही विपरीत अथवा प्रति भूमध्य रेखीय धारा कहते हैं। यह जल संतुलन का भी काम करती है। इसे मिनी धारा भी कहते हैं। आप इस चित्र के अंदर देखेंगे तो ये जो धारा है गर्म पानी की, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो बह रही है, ये आपकी सदर्न इक्वेटोरियल करंट है या दक्षिणी भूमध्य धारा है। और ये यहाँ आकर इसमें इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, एक ऊपर उठ जाती है और एक नीचे की तरफ में मुड़ गई। इसको ब्राजील करंट कहते हैं। और इसके विपरीत जो पानी जा रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर में, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहलाता है, या इसको हम मिनी धारा भी कहते हैं। ब्राजील की गर्म धारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर साओ रॉक अंतरीप से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा तट के सहारे उत्तर की ओर चली जाती है तथा दूसरी ब्राजील के तट के सहारे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म जल की धारा ब्राजील धारा कहलाती है। इस धारा का जल 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पहुंचकर फॉकलैंड की धारा में मिल जाता है तथा यह प्रवाह के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने लगता है। दूसरा, फॉकलैंड की ठंडी धारा। यह दक्षिणी अंध महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी धारा है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर से टकराने पर इसकी एक शाखा फॉकलैंड के पूर्व में अर्जेंटीना के तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा को फॉकलैंड की धारा कहा जाता है। यह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाती है। अंटार्कटिका प्रवाह का अंश होने के कारण इस धारा का जल अत्यंत ठंडा रहता है। दूसरी शाखा पछुआ पवन प्रवाह या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब ये चित्र आपके सामने जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो धारा है ये ब्राजील की धारा ऊपर से नीचे आ रही है, गर्म पानी की धारा है, और ये अंटार्कटिका की तरफ से जो आ रही है पश्चिम दिशा से, ये ऊपर उठी फॉकलैंड से टकराने के कारण, ये ठंडी धारा एक धारा ऊपर उठकर ब्राजीलियन धारा में मिलकर नीचे की तरफ में मुड़ जाती है और ये साउथ अटलांटिक करंट के नाम से मुड़ जाती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इसी फॉकलैंड धारा की एक धारा ये जो पछुआ पवन की जो है उसकी वजह से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से ये नीचे की तरफ में आपको देखने को मिल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ में इस सागर के अंदर बहती हुई नजर आ रही है आपको। बेंगुएला धारा दक्षिणी ध्रुव वृत्तीय धारा का कुछ जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण थोड़ा सा उत्तर की ओर मुड़ जाता है। यह जलधारा दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा को बेंगुएला की ठंडी धारा कहते हैं। इसमें ब्राजील की गर्म धारा तथा फॉकलैंड की ठंडी धारा के जल के मिल जाने से इसका जल ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म रहता है। उत्तर की ओर गिनी तट के निकट यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण विषुवत धारा में मिल जाती है। अंटार्कटिका प्रवाह, यह प्रवाह दक्षिणी ध्रुव सागर में पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। इसे पछुआ पवन प्रवाह भी कहते हैं। यह ठंडा प्रवाह है। यह स्थलखंड के अभाव में
दहाड़ता पचासा पवनों के साथ बड़े वेग से बहता है। दक्षिणी भाग में इसमें हिमखंड भी बहते रहते हैं। इस चित्र में देखें कि ये आपकी जो ब्राजील की धारा और फॉकलैंड की धारा मुड़कर ये दक्षिणी अटलांटिक करंट या धारा बनी थी जो पूर्व में आकर ऊपर की तरफ में उड़ जाती है और ये यहाँ अफ्रीका के तट के पास से इसे बेंगुएला करंट के रूप में ऊपर चलती हुई पुनः पश्चिम की तरफ में मुड़ जाती है और गर्म धारा बनकर ये दक्षिणी ये अटलांटिक की जो इक्वेटोरियल करंट है उसमें तब्दील हो जाती है और इसके नीचे की तरफ में आपका अंटार्कटिक प्रवाह बहता रहता है पश्चिम से पूर्व की तरफ में। तो ये आपकी दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं हैं। तो आज के हम इस व्याख्यान में हमने अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के दो, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ में बहती हुई और ठंडी धाराएं बनकर वापस पुनः भूमध्य रेखा की तरफ में आती हैं, चक्र का निर्माण करती हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति हमें दक्षिण के अंदर देखने को मिली कि ये जो धारा थी किस तरीके से ब्राजील धारा के अंदर तब्दील हुई और ब्राजील से फॉकलैंड धारा में और फॉकलैंड धारा से ये पुनः मुड़ती हुई अफ्रीका के तट के सारे बेंगुएला धारा के होती हुई ऊपर पुनः भूमध्य रेखीय धारा में शामिल हो जाती है और एक चक्र नीचे की तरफ में भी निर्मित करती है। तो इसके साथ ही हमारा ये अटलांटिक महासागर की धाराओं का जो पार्ट था, पार्ट टू, ये कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। हम शीघ्र ही तीसरे भाग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।